साइक्लोट्रोन, साइक्लोट्रोन एक डिवाइस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज नहीं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है। तो ये स्टेटमेंट सुनते ही पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्यों नहीं, भाई जब पॉजिटिव कर रहा है तो नेगेटिव क्यों नहीं कर रहा, और दूसरा ये मशीन बनाने की ज़रूरत है क्या। मेरे को तो नहीं लगता, किसी ने कहा, मैंने कहा क्यों, वो कह रहे इतने दिनों से इलेक्ट्रोस्टैट्स करवा रहे हो तो आप ऐसे क्यों नहीं करते, कोई चार्ज लो क्यू, उसको हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी पे रख दो, तो क्यू इन टू वी क्या मिलेगी उसको, एनर्जी, एनर्जी से वो क्या करेगा, रेस्ट पे था तो क्या एक्वायर कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी, वहाँ से वी वेलोसिटी एक्वायर करके चला जाएगा, रेस्ट पे पड़ा हुआ पार्टिकल पे वी इंक्रीज कर दो, पोटेंशियल इंक्रीज कर दो, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कहीं ना कहीं, अगर मैं वी को इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और ठीक है एक्सेलरेशन होगी जनरेट। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर मैं लीनियर अप्रोच फॉलो करता हूँ कि वी अप्लाई किया, क्यू किया और क्यू इन टू वी से एनर्जी आ गई, वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि बहुत हाई वेलोसिटी एक्वायर करवाई जा सके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो वेलोसिटीज जो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का मैकेनिज्म यूज करता हूँ उसमें वेलोसिटीज की वैल्यू लो आती हैं, यहाँ पर वेलोसिटीज मुझे बहुत हाई चाहिए, बहुत हाई चाहिए, जैसे 2×10^5 मीटर पर सेकेंड, तो इतनी वेलोसिटी इलेक्ट्रोस्टैट्स का चार्ज इनटू पोटेंशियल जनरेट करेगा नहीं, अभी कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो क्या चेंज करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सफिशिएंट हाई एनर्जीज कैन बी जनरेटेड, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन जनरेट की जा सकती है, और इवन इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को डालूंगा इस मशीन में तो वो इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना शुरू कर देता है। स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 बहुत बहुत होती है और दुनिया में कोई स्पीड ऑफ लाइट को आज तक ट्रैवल कर नहीं पाया, ये भी नहीं कर पाते, पर अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, इतनी तेज घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं तेज घूमते, वो हैवी होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स इसके अंदर एक्सेलरेट कर नहीं पाते क्योंकि उनकी स्पीड बहुत हाई है, और स्पीड हाई होने से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है अगर स्पीड बहुत हाई और स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं ना तो मास पार्टिकल का कांस्टेंट नहीं रहता, इट स्टार्ट चेंजिंग, जबकि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है लेकिन बहुत हाई स्पीड पे मास चेंज हो जाते हैं, तो मैं बताऊंगा कैसे। तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि ये एक मशीन है जो कि बहुत हाई वेलोसिटीज एक्वायर करेंगी और एक्सेलरेशन जनरेट करेंगी, किसमें, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में। इसकी कंस्ट्रक्शन में ये आपने क्या किया, मैग्नेट रखा नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया नॉर्थ से साउथ। इसके स्पेस में दो सेमी सर्कल्स लिए, सेमी सर्कल जो है ऐसे नहीं है, सेमी सर्कल ऐसे हैं, ये देखो ऐसे, जिसके अंदर से पार्टिकल घूम सके, ऐसे डिब्बे की तरह ऐसे, मतलब स्पेसिंग है, इसके अंदर एंट्री हो सकती है सेमी सर्कल में, पार्टिकल का एग्जिट भी हो सकता है। तो एक सेमी सर्कल ये लिया, एक सेमी सर्कल ये लिया, इसकी शेप सेमी सर्कल डी की तरह लगती है, इसको डी बोलते हैं, एक डी, दो डी, 1D 2D, अब 1D 2D एक्स वाई प्लेन वाली 2D नहीं है, ये D का मतलब सेमी सर्कल और दूसरी D का मतलब ही सेमी सर्कल, आमने सामने रख दिए, ठीक है। इसके ऊपर एक ऑसिलेटर लगाया, ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, और कैसे करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगी कि अगर मान लो यहाँ पर पहले उसने नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया डी पे और यहाँ पर पॉजिटिव, तो कुछ देर के बाद आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, फिर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, फिक्स टाइम पीरियड के बाद यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप देख रहे होंगे कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर थोड़ी देर के बाद उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उल्टा, फिर इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो मान लो आफ्टर 1 सेकेंड फिक्स कर दिया हमने, टाइमर का फिक्स कर दिया, हर एक सेकेंड के बाद उसमें फील्ड को क्या कर देना है, चेंज कर देना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो चार्ज कभी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करता रहेगा, क्लियर है यहाँ तक। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और ऑल्टरनेटिंग का काम कौन करता है, ऑसिलेटर करता है, बस इतना सही काम है इसका, बस आप कुछ ना करो, अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेके आओ और चलो यहाँ प्लेस करते हैं। तो ये मैंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को यहां पे मैंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, और ऑसिलेटर ने अपना काम शुरू किया,
यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया, जैसी वो डी नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज डी ने पॉजिटिव पड़े प्रोटोन को अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींचेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचा, तो जैसी वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सीधा गया, पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर, तो वो सीधा जा ही नहीं पाएगा, इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल जब मूव करता है तो वो सर्कल मूव करता है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर क्या हुआ, पार्टिकल चला, वो सर्कल कंप्लीट कर ही रहा था, उसकी डी खत्म हो गई, रास्ता एक डी में खत्म हो गया, तो वो ओपन स्पेस में आएगा, उसी टाइम ऑसिलेटर क्या करेगा, जैसे वो ओपन स्पेस में आएगा ऑसिलेटर इसको पॉजिटिव कर देगा और इसको नेगेटिव कर देगा, जैसे ये ओपन स्पेस में आएगा, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, इसके पास कुछ अपनी वेलोसिटी तो थी वी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी में तो कोई चीज लेके आता नहीं है, तो वी वेलोसिटी से आ रहा था, उसी टाइम ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव चार्ज डी ने इसको फोर्स लगाई, खींचा, फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन दी, एक्सेलरेशन का मतलब इसकी वेलोसिटी ओपन स्पेस में आके थोड़ी सी और बढ़ गई, और बढ़ गई, वी तो थी ऑसिलेटर के खींचने, इस डी के खींचने से इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई। जब वेलोसिटी और बढ़ी तो आप सबको पता है कि रेडियस क्या होता है, एम वी बाई बी क्यू, जब वेलोसिटी बढ़ी तो रेडियस भी बढ़ गया, तो अब ये पार्टिकल थोड़े से बड़े रेडियस में घूम रहा है। जैसे ये पार्टिकल यहां पे आता है फिर से घूमता हुआ, ऑसिलेटर अब इसको क्या कर देगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव डी इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगी, वी वेलोसिटी तो ऑलरेडी थी इसके पास जो कि ज्यादा हो चुकी थी, फिर ऑसिलेटर इसने डी ने नेगेटिव ने इसको खींचा, फोर्स लगाई, एक्सेलरेशन दी, तो ये और ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर गया, रेडियस भी बड़ा हो गया, ऐसे करते 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 बहुत आखिरी रेडियस में आते आते यहाँ विंडो होती है, यहां से जाके बाहर निकाल दिया जाता है, फिर केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट जो भी है, हाई मूविंग पार्टिकल कहाँ स्ट्राइक करवाने हैं बोलो, वहां स्ट्राइक हो जाएंगे, फिर जो भी होता होगा करेंगे, बट हमारा काम है उसको तेज घुमा के बाहर फेंक देना। तो इसमें हो क्या रहे, अगर मैं सीधा पाथ यूज करता हूँ क्यू इंटू वी, तो एक तो वी बहुत हाई चाहिए और रास्ता बड़ा लंबा चाहिए, रास्ते को तो देखो कम जगह में गोल गोल घुमा के हमने बड़ा कर दिया, देखो लेंथ कैसे बढ़ा रहे हैं, घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, तो ऐसे स्पेसिंग की जगह ये यूज कर दी, और वेलोसिटी इंक्रीज करने का काम मैग्नेटिक फील्ड का तो था ही नहीं, किसका काम था, इलेक्ट्रिक का काम था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने सही जगह पे आपके काम किया और मैग्नेटिक फील्ड ने भी सही काम किया, मैग्नेटिक फील्ड ने रास्ता बचा दिया, गोल गोल घुमा दिया ताकि लंबाई में ना जाए, गोल गोल घूमता जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वेलोसिटी को इंक्रीज करवाना शुरू किया और पता नहीं nth चक्कर में जाके इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये है साइक्लोट्रॉन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसके अंदर ये इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड, तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होगा टू सफिशेंटली हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी एक्वायर कर लेगा विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसमें, अल्टरनेटिंग है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, एंड बाय मेकिंग इट टू क्रॉस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम एंड अगेन, बार 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 इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का काम सर्कल में घुमाना, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम वेलोसिटी को इंक्रीज करवाना, तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद इसकी वर्किंग तो आपको ऑलरेडी आती है, क्योंकि पार्टिकल किस में घूम रहा है, सर्कल में, सर्कल में घूमने के लिए वही सेंट्रीपिटल फोर्स बी क्यू बी साइन 90 एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वेट करके रेडियस क्या आ गया, एम वी बाय बी क्यू, तो रेडियस का फॉर्मूला एम वी बाय बी क्यू। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो रेडियस की वैल्यू आ गई एम वी बाय बी क्यू। इसके बाद एक डी में है ना, एक डी और दूसरी डी, तो एक डी में टाइम स्पेंड एक पार्टिकल ने कितना किया, कितना समय बिताया एक डी में, मान लो स्मॉल टी बिताया, तो एक डी में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक चक्कर में पाया टू पाया नहीं, एक डी सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल का डिस्टेंस ये देखो ये रहा, तो एक डी में सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना है पाया, और वेलोसिटी कितनी है इसकी वी, रेडियस की जगह पुट कर देना एम वी बाई बी क्यू, तो आंसर आ जाएगा टाइम का। वैसे अगर आपको याद हो हमने ये रिजल्ट किया भी, मैग्नेटिक फील्ड में एक चक्कर का टाइम क्या होता है, टू पाई एम बाई बी क्यू, याद करो पिछले लेक्चर में जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई एम बाई बी क्यू, तो आधे चक्कर का टाइम क्या होगा, π
पाई एम बाई बी क्यू, तो ये तो वैसे भी करने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता है इसका आंसर। तो एक डी में कितना समय बिताया पार्टिकल ने पाई एम बाई बी क्यू। अब यहां पर कैपिटल टी का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो, सपोज ये देखो ये डीज हैं, ये डीज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड किसे बोलते हैं। मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको नेगेटिव किया था, इसको पॉजिटिव किया था, कुछ देर करके रखा, कितनी देर करके रखा, जब तक ये पार्टिकल आधा रास्ता कवर नहीं करता, तो वो टाइम कितना था टी बाई टू स्मॉल टी। चलो ऐसे लिख लेते हैं, टाइम क्या था स्मॉल टी, राइट। फिर ऑसिलेटर ने क्या किया, ये प्लस और माइनस कर दिया, तो पार्टिकल ने ये चक्कर पूरा किया, तो इसका टाइम भी कितना है स्मॉल टी, राइट। तो कहने का मतलब कि ऑसिलेटर ने यहां टाइम जो स्पेंड किया वो कितना किया स्मॉल टी, और यहां कितना किया स्मॉल टी। तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होते ही ऑसिलेटर वापस क्या कर देता है इसे माइनस से माइनस, माइनस से प्लस से फिर माइनस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ऑसिलेटर का एक चक्कर पूरा हो गया। ऑसिलेटर का एक चक्कर का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव करना स्मॉल टी टाइम के लिए, और एक बार उल्टा कर देना स्मॉल टी टाइम के लिए, क्लियर है, और फिर वापस वही पोजीशन वापस आ जाना। तो जब ऑसिलेटर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड करता है फिर इधर करता है, उस दौरान जो चार्ज पार्टिकल है एक सेमी सर्कल कवर करता है और दूसरा भी सेमी सर्कल कवर कर जाता है, तो टोटल टाइम टेकन यानी कि कितना होगा 2t। पार्टिकल ने पूरा चक्कर कितनी देर में काटा 2t। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पार्टिकल ने 2t टाइम में जो है एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया, रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। टाइम की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास थी पाई एम बाई बी क्यू। एक पार्टिकल इतनी देर में अपना आधा चक्कर पूरा करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि छोटे चक्कर में कम टाइम है, बड़े चक्कर में बड़ा टाइम है, तो गलत सोच रहे हैं। हर चक्कर का टाइम सेम है, क्योंकि अगर रेडियस बड़ा तो उसकी मूव करने की वेलोसिटी भी बड़ी, तेज कवर करेगा। तो ये देखो पाए एम बी क्यू, ना इसमें रेडियस आ रहा है ना इसमें वेलोसिटी आ रही है, इंडिपेंडेंट है, टाइम हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर आधा चक्कर एक सेकेंड में, तो आधा चक्कर एक सेकेंड में, तो ऑसिलेटर को ट्रेन किया जाता है कि भाई तू एक एक सेकेंड बाद अपने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दियो। तो यानी कि ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दूसरा, फिर पहला, दो सेकेंड में कर देगा, क्योंकि एक सेकेंड फिर एक सेकेंड, तो टोटल फिर वापस यहीं आ जाएगा। तो दो सेकेंड तक वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सेकेंड लेफ्ट रखेगा, एक सेकेंड राइट रखेगा, यानी कि स्मॉल टी लेफ्ट रखेगा, स्मॉल टी राइट रखेगा। तो इसीलिए ऑसिलेटर का टाइम पीरियड क्या है, ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है जितनी देर में एक पार्टिकल ने पूरा चक्कर काट लिया, क्योंकि वापस वहीं पे आ जाएगा पार्टिकल जहां से शुरू हुआ था 2t। अब स्मॉल t की वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो ऑसिलेटर का टाइम पीरियड तो वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम पिछले क्लास में करते आए हैं, 2 पाई m बाय बी क्यू। एक कंप्लीट चक्कर का टाइम ही ऑसिलेटर का टाइम है 2 पाई m बाय बी क्यू। और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल बी क्यू बाय 2 पाई m। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? क्लियर है? तो ये था आपका साइक्लोट्रॉन।